प्यारे भाइयों बहनों माता पिता, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का ढेर सारा प्यार और शांति। आज मैं आप सबों के समक्ष क्षमा और चंगाई पर बात करना चाहता हूँ, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग, क्योंकि यह आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से हम क्षमा मांगें, एक दूसरे के लिए हम भलाई करें और एक साथ मेल मिलाप करके हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। क्योंकि आज हम समाज में जितने भी अत्याचार देखते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़ा देखते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध, एक समुदाय दूसरे समुदाय के विरुद्ध, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, हम आपस में ही लड़ झगड़ करके हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो क्षमा शब्द है, देखने में या समझने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब हम इसको वास्तविक रूप से अपने जीवन में जीने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत कठिन हो जाता है। कि क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा करता है, मेरे जीवन को बर्बाद करता है, मेरे जीवन को दुख पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्षमा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इस क्षमा शब्द को कैसे समझें? यदि हम उसको साधारण रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत हम अपने जीवन के अंदर जो भी नकारात्मक सोच है, जो भी घृणा की भावना है, जो भी नाराजगी है, जो भी असंतोष है, उसे हम दूर करते हैं। उसको दूर करने की एक प्रक्रिया है। और अगर हम इसको धार्मिक रूप से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है जिनसे हम सबों को अपने अपराधों के प्रति, अपने पापों के लिए माफी मिलती है, अपने गुनाहों की माफी की जाती है। और इसको हम और व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि क्षमा एक अनंत प्यार है। जैसे हमारे माता पिता जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे उनकी हर गलतियों को वो भूल जाते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं। यदि हम बाइबल को गौर से पढ़ेंगे, बाइबल में क्षमा शब्द का प्रयोग 76 बार हुआ है, 43 टाइम्स पुराने व्यवस्थान में और 33 टाइम्स नए व्यवस्थान में। और उसी प्रकार से कैथोलिक कलीसिया में भी हम समय समय पर ऐसे मिसाल प्रस्तुत हुए हैं जो दुनिया के लिए स्वीकार कर पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ कैथोलिक धर्म में है, लेकिन हर धर्म, हर मजहब, हर समुदाय हमें यही सिखाती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें सबकी भलाई करना है, सबको को प्यार करना है, सबके साथ भाईचारे और मेल प्रेम के साथ जीवन बिताना है। क्योंकि खुदा एक ही है, लेकिन उसको उसके तक पहुंचने का जरिया या रास्ता अलग अलग है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो विश्वास है, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वो हम सबों को क्षमा करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए भलाई करो, और जो तुम्हें शाप देते हैं उनके लिए आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में जीते हैं, तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य कहलाते हैं। और हमारे लिए जो भी कि जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं उनको क्षमा करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कभी ना कभी किसी के साथ बुरा किया है या उसके साथ बुरा हुआ है या किसी को दुख पहुंचाया है या खुद दुख का अनुभव किया हो। हम सबको कुछ न कुछ तरीके से आघात पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, कष्ट पहुंची है। हो सकता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षकों के द्वारा हमारा बेइज्जत किया गया ये बोल करके कि ये पढ़ने में ऐसा है, पढ़ने में वैसा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसी तरह से जब हम अपने दोस्तों के सर्कल में होते हैं तब भी हमें कभी बेइज्जती होना पड़ता है, कभी हमारा अपमान किया जाता है। हो सकता है
जो नौकरी जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें मिला नहीं, या हो सकता है जिस रिश्तेदार को हम बहुत गहरे से जानते हैं, नज़दीकी से जानते हैं, और उसके घर परिवार में कोई फंक्शन था और हमें बुलाया नहीं गया हो और उससे हमको दुख हुआ होगा। लेकिन उनसे भी बढ़कर जब जिस व्यक्ति को हम विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति पर हम भरोसा रखते हैं, जिस व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है, हमें धोखा देता है, तो उसे स्वीकार कर पाना और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्षमा दे ही नहीं सकते हैं, हम क्षमा देने का सोच ही नहीं सकते हैं। और इस परिवेश में जब हम रहते हैं तो हमारे समक्ष तीन विकल्प होते हैं। पहला है कि कुछ भी हो जाए मैं कभी उस व्यक्ति को मरते दम तक क्षमा नहीं करूंगा। दूसरा विकल्प है कि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्षमा करना अच्छी बात है, इससे हम भले चंगे होते हैं और इसके द्वारा हमारा जो संबंध होता है वो अच्छा होता है, लेकिन ये जो घाव है, ये जो आघात है, ये जो चोट है, ये जो तकलीफ है, ये जो दुख है, ये इतना गहरा है कि हम उसे निकाल नहीं सकते हैं, हम उसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और तीसरी है कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा, जो भी कि उसने जो गलती की है, जो अपराध किया है, वो सारे चीजों को भूल करके मैं उसे क्षमा दूंगा या दूंगी, और ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। बहुत बार हम ये जो तीसरा विकल्प है उसको भूल जाते हैं और वो पहला और दूसरा में ही सीमित रह जाते हैं। इसका प्रतिफल क्या होता है? जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने जीवन के सारे चैन खो देते हैं, हम हताश और निराश हो जाते हैं, हम उस पीड़ा से निकलने के लिए हम गलत चीजों का सेवन करते हैं और हमारे अंदर घृणा और हिंसा की प्रवृत्ति पनपने लगती है, हम बदला लेना चाहते हैं। और जब इस तरह के मनोभाव हमारे जीवन में उत्पन्न होता है तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन को खोखला कर देती है, क्योंकि ये जो घृणा है, ये जो नाराजगी है, वो एक कैंसर बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की सारी अच्छाइयों को, हमारे जीवन के अंदर जो भी भले करने की उत्साह है उसको वो समाप्त कर देती है, उसको वो खत्म कर देती है और उससे हमारा ही नुकसान होता है। लेकिन क्षमा एक ऐसा गुण है जिसे हासिल करना और उसे बनाए रखना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आप सबों के सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, और वो है सबसे पहले भगवान या हमारा खुदा बाप, जो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता है। यदि प्रभु हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ नहीं करता तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं सकता। जैसे स्तोत्र ग्रंथ में हम सुनते हैं अध्याय 8:5-10 तक में, मनुष्य क्या है जिसकी तू सुध लेता है, आदम का पुत्र क्या है जिसकी तू देखभाल करता है, तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा गरिमा का मुकुट पहनाया, तूने उसे अपने सृष्टि पर अधिकार दे दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। यह है प्रभु का अनन्य प्रेम हम सबों के प्रति, जो प्रेम के कारण हमारी हर गुनाहों को, हम कमजोरियों को, हर ऋण या हर कर्ज को वो माफ करता है। उसी प्रकार हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ भलाई का कार्य किया, उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाया, दलितों को स्वतंत्र किया, बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित किया। लेकिन उसके इस कार्य के बदले उसे क्या मिला? क्रूस पर दर्द भरा मौत। लेकिन यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मरने से पहले भी वो अपने शत्रुओं को, अपने बारियों को, अपने से विरोध जो भी लोग थे उनको उसने क्षमा प्रदान किया। उस वह कहता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों को क्षमा करना सिखाया। उसी तरह से मैं कुछ व्यक्तियों का नाम लेना चाहूंगा, और वो है संत पिता जॉन पॉल द्वितीय। सन 1981 में जब मेहमत अली आगा था उसको गोली मारता है, लेकिन सौभाग्यवश वो जिंदा होता है, और जब वह उसे मिलने जाता है बंदी में तो उसे वो कहता है कि ब्रदर आई फॉरगिव,
मेरे भाई मैं तुमको क्षमा प्रदान करता हूँ। और इस तरह से वो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो हम सबों को क्षमा करने सिखाया उसका मिसाल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला 27 साल कारागार में रहने के बाद में जब वह स्वतंत्र हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शत्रुओं से प्यार करने और उन्हें क्षमा करने के लिए सिखाया। उसी तरह मदर तेरेसा ग्राहम सेठ के पत्नी जिसके हस्बैंड और दो बच्चों को कार में जिंदा जलाया गया, लेकिन वो जो अपराधी थे दारा सिंह और उसके साथियों को वो माफ करती है। उसी प्रकार रानी मेरिया जब उसके अपराधी उसको चाकू मार करके हत्या कर देते हैं तो रानी मेरिया की जो बहन थी वो उसे अपना भाई मां स्वीकार करती है और उसे क्षमा प्रदान करती है। और इस तरह से देखते हैं कि क्षमा करना कठिन है, जब ईश्वर हमारे जीवन में है तो वो हमें शक्ति और बल देता है। हमारे समक्ष नियम और कानून है जो अपराधियों को उनके कामों के अनुसार दंड देते हैं, क्योंकि ये जो नियम और कानून बने हैं वो हम सबों की गरिमा जो भी की कानून के आधार पे उनको उनके अपराधों के आधार पे न्याय सजा मिला, लेकिन न्याय बिना क्षमा के अधूरा है, इसलिए क्षमा अति आवश्यकता है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरा दुनिया को वो हिला देती है। दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर्स पर, मैगजीन्स पर, टीवी में ये सवाल उठे क्यों उन्हें क्षमा करना चाहिए। इसी तरह की बात सुनते हैं संत पीटर के द्वारा। संत पीटर प्रभु यीशु ख्रिस्त को कहते हैं कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं, 7 बार तक। और प्रभु उसको उत्तर में कहते हैं 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक। ये 7 बार क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जितना भी मानवीय दृष्टिकोण से हो सके आप क्षमा कीजिए, लेकिन उससे भी आप एक कदम आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा पिता ईश्वर क्षमा करने में कोई कमी नहीं करता है, वो अनंत क्षमा प्रदान करता है, क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए क्षमा का मतलब यह नहीं होता है कि हम कितनी बार करते हैं, कब कब करते हैं और कहां कहां करते हैं। क्षमा का मतलब होता है कि हम जितनी बार हो सके हम उनको क्षमा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर के प्रति कर्जदार हैं। ईश्वर ने हम सबों को जीवन दिया, हमें स्वतंत्रता दी, हमें गरिमा और महिमा दिया, और उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? हम ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए जब हम ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो हमारे लिए हर कार्य, हर चुनौतियां, हर मुश्किलें सहज हो जाती हैं, हम उसका सामना कर पाते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने ही महत्व में खोए रहते हैं। जैसे उस सेवक ने अपने सहसेवक से कहा अपना कर्ज चुका दो, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम भी किसी के कर्जदार हैं, हम पर भी किसी का एहसान है, इसलिए हमें भी दूसरों का एहसान करना है, दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना है। और तीसरी बात है कि ईश्वर की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत कठिन नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं कि तुम जिसके साथ जैसे व्यवहार करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा, यदि तुम अपने भाई को क्षमा प्रदान नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा, तुम जिस नाप से नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा, यदि तुम किसी का न्याय करते हो तो तुम्हारे ऊपर भी न्याय किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत साधारण तरीके से हम सबों को समझाते हैं, हम सबों को बताते हैं। इसलिए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हम ही दुआ करेंगे कि हम एक दूसरे को क्षमा दे सके, एक दूसरे से क्षमा मांग सके। हम अपने जीवन में जो भी गलतियां हुए हैं, जो भी हर्ट्स फीलिंग है, जो भी हमारे कष्ट हैं, दुख और तकलीफ है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी लोग हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, उनको हम माफ करें, उनको भूलने की कोशिश करें और हम उनके साथ मेल मिलाप करें। दूसरी बात है कि एक दूसरे के प्रति दयावान बने, क्योंकि ईश्वर हम पर दया करता है। और तीसरी बात है कि हम जो क्षमा की सकारात्मक पहलू है, जैसे जब हम किसी को क्षमा प्रदान करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हम भले चंगे हो जाते हैं, हमारा जीवन में एक नयापन आता है,
हमें एक नई खुशी का महसूस होता है, हम आनंदित होते हैं, हमें चैन और सुकून मिलता है, हमारा संबंध अच्छा बनता है और हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। तो हम इन सारे चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और अंतिम बात है कि जो भी चीजें हमारे जीवन में हुए उसको हम दोबारा वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम जरूर दूसरों को उसको भूलते हुए दूसरों को क्षमा देने का विकल्प चुन सकते हैं। तो आइए हम ये प्रार्थना करें, ये दुआ करें, खुदा हम सबों को इतनी ताकत दे, इतना बल दे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ सके, अपने स्वार्थ भरे जीवन से ऊपर उठ सके और एक दूसरे को क्षमा प्रदान कर सके।